ओके, सो वी डिस्कस्ड पीरियड 3। अब हम पीरियड 2 को डिस्कस कर लेते हैं, जिसके आप एक्सेप्शंस पूछ रही थी। तो एक्सेप्शंस होती क्या हैं कि यानी एक जनरल ट्रेंड चल रहा है, यानी हम कह रहे हैं कि बस इंक्रीज ही होना चाहिए। अगर हम प्रोटॉन नंबर बढ़ाते जाएं, यानी 3, 4, 5, 6 प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है ना, तो अगर प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, दो तीन जगहों पे ड्रॉप आ रहा होता है। तो हम वो देखेंगे कि वो ड्रॉप क्यों आ रहा है। तो हम इसके लिए पूरा डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी से हो जाएगा। लिथियम से स्टार्ट करें तो लिथियम में है 3 प्रोटॉन्स और 3 ही इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट कैसे है, 1s2 2s1, यानी कि एक तो ये वाला पेयर आएगा और एक बाहर ये है। तो आयनाइजेशन एनर्जी है क्या कि इस जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसको रिमूव कराने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है। तो इसको जितनी एनर्जी लगेगी वो हम कैसे डिटरमिन करेंगे कि लिथियम के बाहर एक शेल था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और उसके भी बाहर एक और शेल था उसमें 1 इलेक्ट्रॉन था। तो ठीक है, ये चाहेगा कि इसको जल्दी से रिमूव करा के स्टेबल हो जाए, क्योंकि बहुत दूर है न्यूक्लियस से और इसको ये वाले इलेक्ट्रॉन्स शील्डिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसकी एनर्जी हो गई कोई एक लेवल, हमने कह दिया कि इतनी थी लिथियम की। ठीक है, जब बेरिलियम की बात करें तो उसमें आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स यूं। ठीक है, यानी 2s2 में भी 2 भर गए, 2 और 2 4 हो गए। तो उन्होंने कहा कि बेरिलियम की थोड़ी सी हायर एनर्जी है, क्योंकि बेरिलियम के साथ अब क्या हुआ कि जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, अब ये बेरिलियम एटम है फॉर एग्जांपल, तो बेरिलियम में जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना तो इसका मास नंबर भी तो बढ़ा है, वो इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ पुल करेगा, थोड़ा सा उसका रेडियस कम हो जाएगा लिथियम से कंपेयर्ड। ठीक है, तो जब लिथियम से थोड़ा उसका कम रेडियस होगा तो उसको एनर्जी थोड़ी ज़्यादा लगेगी इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए, क्योंकि 2s2 थोड़ा सा स्टेबल है 2s1 से ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो हमने कहा बेरिलियम की ज़्यादा एनर्जी है। लेकिन जब बोरॉन पे आते हैं तो बोरॉन एक एक्सेप्शन है, बुक में जहाँ लिखा होता है कि बोरॉन एक्सेप्शन है। कैसे कि जब उसमें 1, 2, 3, 4, 5 हमने भरवाने हैं टोटल, तो पाँचवा इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p में। जब इसमें चला गया इसका मतलब उसके भी बाहर एक और शेल ऐड हो गया, अब ये वाला एटम ही बोरॉन एटम है, एक और शेल ऐड हो गया उसमें पी इलेक्ट्रॉन चला गया। तो जब वो इतना दूर है तो एनर्जी तो कम लगेगी ना उसे उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए, तो एनर्जी कम लगने का मतलब है थोड़ी सी कम। ठीक है, ये आ गई एक्सेप्शन, कि एक्सेप्शन है कि जनरल ट्रेंड होता कि वो इंक्रीज हो रहा है, सही है, लेकिन उस ट्रेंड में कहीं कहीं ड्रॉप्स आ रहे हैं। तो पहला ड्रॉप है बोरॉन। फिर हम चलते हैं कार्बन पे। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, पी में 3 स्पेसेस है ना, तो यूँ इसके 2 भर गए। अब कार्बन में क्या हुआ कि वही वाला जो बोरॉन वाला था उसमें अगर एक और इलेक्ट्रॉन डाल दें पी वाले में, तो फिर वही चीज़ होगी कि वो न्यूक्लियस से थोड़ी उसकी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, इसलिए उस पर एनर्जी बोरॉन से थोड़ी ज़्यादा लगेगी कि वो ज़्यादा टाइटली हेल्ड है। ठीक है, वो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन एटम ने ज़ोर से पकड़ के रखा हुआ है, बोरॉन का बहुत लूज था, तो कार्बन की ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक, मैंने कह दिया कार्बन की इतनी। फिर नाइट्रोजन की 3 है, तो 1, 2, 3, अब गिनते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 7 पूरे हो गए। ठीक है, अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये बहुत स्टेबल है। बहुत स्टेबल का मतलब है कि इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए। अगली एक्सेप्शन है ऑक्सीजन। अब देखो बढ़ रहा है ना तो बढ़ना ही चाहिए, लेकिन नहीं, एक्सेप्शन आ गई, फिर ड्रॉप हो गया। सही है, एक्सेप्शन फिर वही चीज़ के जो आप जनरल चल रहा है कि बढ़ रहा है एकदम से वो नीचे आ जाए। वो हुआ क्यों, कैसे हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन आने पी में, तो 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन आ गया इसके साथ। अगर मैं ऑक्सीजन को ड्रॉ करूँगी ना तो ऑक्सीजन के बाहर आगे 2, 3, 4, ठीक है, और फिर पी के कितने, पी के आगे 1, 2, 3 और फिर ये चौथा। ये हुआ क्या कि हमने इस तरह से क्यों बनाया, मैंने क्या किया, मैंने 2px, 2py और 2pz अलग अलग बना लिए हैं। यानी अगर 2px में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2py की शेप इस तरह की है, तो 2py में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला नहीं अभी, सही है, 2py में
हाँ है और फिर 2p z में भी एक इलेक्ट्रॉन है, सही है। तो होगा क्या कि ये जो आउटर मोस्ट है ना, इसको ये वाले एक पेयर की तरह एक्ट करेंगे। इस फिनोमिना को कहते हैं स्पिन पेयर रिपल्जन। यानी कि हमारे पास है तो सबशेल पी ही, लेकिन उसके अंदर भी ये जो ऑर्बिटल्स हैं इसमें px, py और pz ऑर्बिटल है। तो px ऑर्बिटल में देखो कि दो इलेक्ट्रॉन्स भर गए हैं, तो ये रिपेल करेंगे इस वाले इलेक्ट्रॉन को कि निकल जाओ बाहर, तो इसलिए वो ज़्यादा उसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी, कम एनर्जी की ज़रूरत होगी इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए। फिर फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन की हायर है। फ्लोरीन में कितने फाइव हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से इसके फाइव हैं। तो उसमें थोड़ी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है क्योंकि ये थोड़ा और स्टेबल हो गया है। फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन थोड़ा स्टेबल हो गया है। और नियॉन तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि नियॉन का कम्प्लीटली फिल्ड है, सही है। नियॉन का कम्प्लीटली फिल्ड है, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो ये आ गई दो एक्सेप्शंस और ये इसका जनरल ट्रेंड है कि इंक्रीज हो रहा है। दिस इज़ अ जनरल ट्रेंड।